मध्य प्रदेश में आखिरकार मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तकरीबन 10 दिनों के मंथन के बाद सिंधिया और शिवराज सिंह के बीच सहमति बनी और मंत्रियों को विभाग बांटे गए। किसको मलाईदार विभाग मिले और कौन मामूली विभागों के साथ प्रदेश में मंत्री बनेगा, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। रविवार को पूरा दिन और पूरी रात इंतजार कराने के बाद आखिरकार सोमवार की अल सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 28 मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से संबंधित सूची को सार्वजनिक कर दिया। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया विभागों के बंटवारे में भी फायदे में रहे। आइए एक नजर डालते हैं 28 मंत्रियों में किसको कौन सा विभाग मिला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पहले भी मंत्री रह चुके गोपाल भार्गव लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता विजय शाह को वन मंत्री बनाया गया है। पहले भी मंत्री रह चुके जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर वित्त और योजना आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के मंत्री होंगे। कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहू लाल सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मंत्री बनाया गया है। पहले भी मंत्री रह चुकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल एवं विकास रोजगार मंत्री बनाई गई हैं। भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता और पहले भी मंत्री रह चुके सागर जिले से आने वाले भूपेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय विकास मंत्री बनाया गया है। तो वहीं कभी दिग्विजय सिंह के करीबी रहे कांग्रेस के वफादार माने जाने वाले और इसके बाद भाजपा में आए ऐंदल सिंह कंसाना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही पन्ना से आने वाले विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को मध्य प्रदेश का खनिज साधन मंत्री बनाया गया है। पहले भी मंत्री रह चुके और शिवराज सिंह के करीबी विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। सिंधिया खेमे से आने वाली इमरती देवी को वही विभाग दिया गया है जो कमलनाथ सरकार में उनके पास था, यानी कि वे मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी। सिंधिया खेमे से ही प्रभुराम चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, यानी कि जो विभाग अब तक नरोत्तम मिश्रा के पास था वही विभाग अब प्रभुराम चौधरी के पास होगा और कोरोना से जूझ रही मध्य प्रदेश की जनता को बचाने का जिम्मा भी सिंधिया खेमे के प्रभुराम चौधरी निभाएंगे। सिंधिया खेमे से ही एक और नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। वहीं सिंधिया खेमे से ही प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। नए चेहरे के रूप में प्रेम सिंह पटेल को पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज के मंत्रिमंडल में शामिल 3 नए चेहरों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें उषा ठाकुर को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, ओम प्रकाश सकलेचा को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, तो वहीं मोहन यादव को उच्च शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अरविंद भदौरिया को भी सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस से भाजपा में आए हरदीप सिंह डंग को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी सिंधिया खेमे से आते हैं। नए चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए भरत सिंह कुशवाहा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के जिम्मेदार बनाए गए हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है। इंदर सिंह परमार प्रदेश की स्कूल शिक्षा संभालेंगे, तो वहीं राम खिलावन पटेल को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह नए चेहरे राम किशोर कांवरे को आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं सिंधिया खेमे के 4 लोगों को अहम जिम्मेदारी और मिली है। इनमें सिंधिया खेमे के ब्रजेंद्र सिंह यादव को लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, गिरिराज दंडौतिया को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सुरेंद्र धाकड़ को लोक निर्माण विभाग, ओपीएस भदौरिया को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये बतौर राज्य मंत्री इन विभागों को भी देखेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री पहले से ही हैं, अब उनकी जिम्मेदारी इस तरह होगी। नरोत्तम मिश्रा अब प्रदेश के गृह मंत्री होंगे।
तुलसी सिलावट के पास जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी होगी। गोविंद सिंह राजस्व एवं परिवहन विभाग संभालेंगे। मीना सिंह आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को देखेंगी, तो वहीं कमल पटेल किसान कल्याण और कृषि विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज पर अगर आप इस खबर को देख रहे हों तो उसे लाइक कर लें। नमस्कार।